शांत रहकर यूं अपना दर्द बयां करते थे सुशांत सिंह राजपूत। एक्टर की टी शर्ट्स में छिपे थे कई हिडन मैसेज। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत इंडस्ट्री के एक ऐसे स्टार थे जो एक्टिंग के अलावा किताबों, साइंस और क्रिएटिविटी में भी काफ़ी दिलचस्पी रखते थे। सुशांत न्यू जनरेशन के लिए एक प्रेरणा थे। सुशांत बोलते कम और सोचते ज़्यादा थे। एक्टर कई बार इवेंट में भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि वह अपने इमोशन को लेकर ज़्यादा बोल नहीं पाते। हमेशा लोगों के सामने हंसते रहने वाले एक्टर के दिल में कितना गम था, यह उनके सोशल मीडिया पोस्ट बयां करता है। इसके अलावा सुशांत अक्सर ऐसे टी शर्ट पहना करते थे जिसके स्लोग या वर्ड्स उनके विचारों से मिलते थे। मॉडर्न डे जनरेशन में स्वाइप्ड शब्द का ज़्यादातर इस्तेमाल इवेंट लोग करते हैं। वे इस शब्द का यूज़ तब करते हैं जब वे बाहरी दुनिया की तमाम चुनौतियों से निपटकर किसी तरह घर वापस पहुंचते हैं। सुशांत भी कह चुके हैं उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी इंट्रोवर्ट है। सुशांत ने सिर्फ स्टार बनने के ही नहीं बल्कि कई ऐसे सपने देखे जो अपनी खुशी के लिए वह करना चाहते थे। यहां तक कि पिछले साल इन्होंने अपनी ड्रीम लिस्ट भी बनाई थी। उनकी यह टी शर्ट इसी बात को जाहिर करती है। सुशांत की इस टी शर्ट पर कंफर्ट वैली सिंगल लिखा है। वह इस टी शर्ट के ज़रिए यह मैसेज देते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं कहीं ना कहीं वह ये भी दर्शाते हैं कि इंट्रोवर्ट इंसान के तौर पर वह अपने आप की कंपनी से काफ़ी खुश थे। सुशांत फाइटर थे और हर वक्त सच की तलाश में रहते। उनकी यह टी शर्ट पर लिखा यह मैसेज काफ़ी कुछ कह रहा है। सुशांत की यह टी शर्ट में लोकप्रियता की आलोचना की जा रही है। दुनिया कंडीशनिंग के चलते सुशांत भी मानने लगे थे कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना और फेमस होना ही है, लेकिन जब उन्होंने इन दोनों को अचीव कर लिया तब उन्हें एहसास हुआ कि सफलता का मतलब सिर्फ भौतिकवादी होना नहीं है। कहीं ना कहीं फेमस होकर सुशांत के विचार टूट गए थे। सुशांत के इंडस्ट्री में भले ही कम दोस्त थे, लेकिन जितने थे उन्होंने वह अपने दिल में बसा रखे थे। यह कह रहा है उनके टी शर्ट पर लिखा ब्रदरहुड वाला स्लोगो कह रहा है। सुशांत की फुल पर्सनैलिटी को उनके कपड़ों पर देखा जा सकता है। सुशांत की इस टी शर्ट पर हु आर द रिलर्स लिखा है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि सुशांत ने जो अपने शब्द और विचार बना रखे थे वो उनके ज़रिए टी शर्ट पहनते थे या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी अपडेट न्यूज़ को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।